गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू इन मदन मोहन चैनल। आज बच्चों मैं आपको एक औसत के प्रश्न जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उससे रिलेटेड है। ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं औसत से, जिसे हम अंग्रेजी में एवरेज भी कहते हैं। आप देखते हैं प्रश्न, बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है, एक कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए और उसके रनों का औसत 9 रन से बढ़ गया। उसकी 11 पारियों का औसत निकालें। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जो 11 पारियों में कुछ औसत दिया है जो हमें पता नहीं है, तो हमने उसको x मान लिया है। अब देखते हैं, यहाँ पे आप हिंदी में लिख सकते हैं 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का औसत जो है एवरेज है वो x है, तो हमने 11 पारियों का एवरेज इक्वल टू x लिख लिया है। और 12 पारियों के जो एवरेज है उसको x प्लस 9 कर दिया है। 12 पारियों का जो औसत है वो 129 रन से बढ़ गया है, 9 रन से बढ़ गया है। तो जो 12 पारियां हैं एवरेज, उसमें x प्लस 9 किया। क्यों किया 9 की, जब मैंने 12वीं पारी खेली तो उसमें मेरा 9 रन का औसत बढ़ गया है, x प्लस 9। अब देखिए 11 पारियों का जोड़, जब कभी भी हम जोड़ निकालते हैं, सम करते हैं रन का, तो कैसे निकालते हैं, जितनी पारी है जितना एवरेज है उनका गुणा करते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने 11 पारियों को जोड़, सम 11 इज इक्वल टू इम्प्लाइज कर रहा है 11x, क्योंकि 11x जो है मेरा मल्टीप्लायर हो रहा है, 11 पारियां हैं और औसत को मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक उसी तरह इस स्टेप में देखिए, सम इज इक्वल 12, ये 12 पारियों का जोड़ कैसे आएगा, 12 पारियों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा x प्लस 9 जो मेरी एवरेज बनी है। और ठीक इसके बाद देखिए इस स्टेप में इसको मल्टीप्लाई किया है 12 गुणा x प्लस 9 और माइनस 11x बराबर 129। ये डिफरेंस क्यों आया है, जब देखिए मैंने जब 12 पारियां खेली तो उसका जो मल्टीप्लाई किए मैंने तो ये आया, और उसका जो अंतर होगा 12वीं पारी और 11वीं पारी का जो डिफरेंस होगा, हम उसको इस तरह से शो करेंगे, 12x प्लस 9 मल्टीप्लाई माइनस 11x, ये जो 11वीं पारी थी 12वीं पारी के औसत से माइनस कर देंगे हम 11वीं पारी का औसत, और इक्वल टू कर देंगे 129। अब इस स्टेप को देखिए, ये 12 गुणा एक्स, 12x 12 9 108 और माइनस 11 ये x, इस तरह से नीचे स्टेप आ गया और इक्वल टू 129 किया है। अब इस स्टेप को ध्यान से देखिए, जब कभी भी हम इक्वल टू का साइन हो और एक तरफ या इस तरफ हो, जो प्लस वाली टर्म होती हैं और एक्स वाली रकम टर्म्स होती हैं उनको एक तरफ रखते हैं, तो 12x में से ये 11x मैंने माइनस कर दिया है, तो यहाँ मेरा x बच गया है। और ये 108 है, इक्वल टू का साइन लगाया इस तरफ ले गया हूँ, तो 129 में से 108 ही मेरे 21 आ गए हैं, ये जो मेरा x बराबर इक्वल टू x आया। तो औसत जो ने हमारा इसमें पूछा 11वीं पारियों का और उसका औसत कितना है, तो ये मेरा औसत निकल आया है। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए, बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है जो हमें पता नहीं, उसको मैं x मानते हैं। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए और उसने रनों का औसत 9 रन से बढ़ गया। उसकी 11 पारियों का औसत कितना है, तो ये 11 पारियों का औसत ये है। और जब कभी भी हम मोटे तरीके से देखिए एवरेज निकालते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर ने 463 बंडों में 18,000 कुछ रन बनाए हैं, तो उन रनों को जब उसकी पारियों से डिवाइड करेंगे तो जो मेरा औसत निकल आता है। धन्यवाद दोस्तों।